हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सेफ्टी के लिए। तो हम बताना चाहते हैं कि बच्चों को या लड़कियों को, लड़कों को या बड़े लोगों को अपने अंदर वो क्षमता रखना चाहिए लोगों से लड़ने का, और मतलब कि कोई भी घटना हो उनके साथ तो उनको फेस करने का। और मतलब कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि ये मत करो, ऐसा सही नहीं है, तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं। और ऐसा भी कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये चीज मत करो, जैसे मत फोन मत चलाओ ज्यादा, या वो ज्यादा गेम मत खेलो। तो हाँ, गेम ना नहीं खेलने के लिए वो बिल्कुल भी सच बोलते हैं। और अगर आपको फोन चलाना भी है तो पढ़ाई से रिलेटेड चला सकते हैं, अपने सेफ्टी से रिलेटेड चला सकते हैं, और ऐसा अनबैंड वीडियो नहीं देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी गलत है। और ये दोनों जो हम बात बोले सेफ्टी के लिए, इस पे आप इस ये चीज को देखेंगे तो फिर आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगा देखने से, और उनको अच्छा लगेगा, और उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। या आपके साथ कुछ भी घटना होता है तो वो भी आप उन सबको फेस कर सकते हैं। और आजकल का बहुत इंडिया में इतना ज्यादा वो हो रहा है कि हम क्या बताएं आप लोग को, मतलब कि लड़कियों को कार पीट के मतलब कि कुछ भी कर देते हैं, और बच्चों को किडनैप करके बेहोश करके फिर अलग देश में बेच देते हैं, फिर उससे पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं है। अब उन्हीं लोग वही लोग जानते होंगे क्या होता होगा। तो फिर ऐसा है कि बच्चों को पेरेंट्स लोगों को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बच्चे अपने कुछ भी हो तो लड़ना चाहिए उस चीज से, और कोई भी परेशानी को फेस करें और उसके बारे में समझें, और फिर उनको अकल आ जाएगा। छोटे बच्चे हैं तब भी उन लोग को स्ट्रांग बनाएं पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि बोल बोल के उन लोग को एकदम कमजोर कर दें। और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बोल बोल के कि ये नहीं कर पाओगे तुम लोग, वो नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज भारत में या देश में ये पूरे कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम लोग ना ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ह्यूमन इसीलिए है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, गलत है ये चीज, तो ये पेरेंट्स जो बोलते हैं गलत सही उनको ज्यादा पता होता है, और इस चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि इस वीडियो में ज्यादा बताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि रोड पे ज्यादा चलते समय या कहीं स्कूल स्कूल जाते समय तो आपके साथ हमेशा पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं, आपको हमेशा पूरी जिंदगी अकेले जीना होगा। और आप बड़े से छोटे, छोटे से बड़े होते तक ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो ये आपको याद रहेगा, और फिर आपको उस पे अमल भी करना होगा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं अकेले पेरेंट्स के साथ नहीं जाते, अकेले स्कूल जाते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद जाते जाते कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से आप ज्यादा ध्यान दें कि आप, और ये भी ध्यान रखें कि कौन सही है, देख के उनको जज करें कि कौन सही है और कौन गलत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और पेरेंट्स के लिए ये बोलना चाहते हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल का जनरेशन बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है। और ये भी बात हम बोलना चाहते हैं कि ज्यादा बच्चे फोन ना चलाएं, उसमें बहुत उल्टी सीधी वीडियोस भी आती हैं, इस वजह से पढ़ाई से रिलेटेड देखें या अपनी सेफ्टी से रिलेटेड देखें, यही सब देखें, ज्यादा शॉर्ट्स ना देखें, ये सब में बहुत बेकार चीज होता है ये। और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत देखें, अच्छा होता है वो सब, पढ़ने की चीजें सब लोग बोलते हैं अच्छा ही होता है, उसमें कोई गलत चीज नहीं बताया जाता है बच्चों को। और मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि कुछ भी हो वहीं पे डट के सामना करो और किसी चीज से डरो मत। ये पेरेंट्स का सोच, मतलब कि कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, उन लोग का सोच बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने बच्चों को भी वैसा ही सिखाएं। और कोई भी गलती हो गया हो तो उसे पेरेंट्स को
बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, या किसी को भी, कोई भी पेरेंट्स को किसी को डांटना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए कि गलती हो गया है तो एक बार गलती हुआ, अगली बार से नहीं करना है, और बताएं कि ये सब गलत होता है। और इसी चीज के लिए बहुत देखा जा रहा है, चोरी हो रहे हैं बच्चे, और अलग अलग देशों में भेज दिया जा रहा है, फिर काट पीट दे रहे हैं। इसके लिए ये तो हमें बहुत सुन के दुख हुआ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को। अब आप लोग को भी सतर्क रहना होगा उन सब चीजों से। और ये नहीं है कि जाओ स्कूल तो क्या मम्मी का हाथ पकड़ के लेके जाओ, पापा का हाथ पकड़ के लेके जाओ, ऐसा नहीं है। अकेले जाओ और लड़ना सीखो, गलत लोगों से लड़ना सीखो। और हाँ, हमें ये बात पता है, और हम आपको भी बताना चाहते हैं कि कभी भी मम्मी पापा या बड़े लोग कोई साथ हमेशा नहीं होते हैं। आगे की जिंदगी आप लोग को अकेले गुजारनी है, और अकेले गुजारनी है, और आपको मतलब कि अपने हिम्मत को। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बड़े बूढ़ों और बच्चों को भी। और अगर बड़े ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये अपने बच्चों तक लेके जाएं, और बच्चों को सीख दें वैसी कि वो स्ट्रांग बने। और इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबा दें क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो बाय।